Morning students, today we discuss next definition, absolute continuity. A real valued function f defined on closed interval ab is said to be absolutely continuous on closed interval ab if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that summation I varying from 1 to n mod f of xi dash minus f of xi less than epsilon for every finite collection of non-overlapping disjoint intervals with summation I varying from 1 to n mod xi dash minus xi is less than डेल्टा कि कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ जो है जो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है उसको हम एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस कब कहेंगे अगर गिवन एप्सिलॉन के कोरिस्पोंडिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट करे कि ये रिजल्ट आपका होल्ड करे मींस यहां पे जो डेफिनेशन में एब्सोल्यूट कंटीन्यूटी की डेफिनेशन में ध्यान से देखो यहां सबमिशन लगा हुआ है अदरवाइज सबमिशन नहीं होता मोड एफ ऑफ एक्सआई डैश माइनस एफ ऑफ एक्सआई हमारा क्या होता है लेस देन एप्सिलॉन ठीक है तो अब ये जब सबमिशन लगा हुआ है तो इसका मतलब जो हमारे पास इंटरवल्स हैं ये xi डैश xi ये जो इस तरीके के ये भी हमारे पास कलेक्शन है फाइनाइट कलेक्शन चलेगी ये हमारी और जो ये कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स की वो कैसी है ये डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स हैं किस कंडीशन के साथ सबमिशन मोड xi डैश माइनस xi इज लेस देन डेल्टा ठीक है फर्स्ट रिमार्क क्लियरली एवरी एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस कि जो भी फंक्शन एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस है वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होगा ठीक सिंस वी कैन टेक द अबव सम टू कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म जो ये अबव सम फाइनाइट सम हमारा चल रहा है अगर ये सिर्फ वन में रिड्यूस हो जाए कि एक ही हो तो ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी हो जाएगी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस की तभी कह रहा है कि एवरी एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस थ्योरम है इस पे बेस्ड एब्सोल्यूट कंटीन्यूटी की डेफिनेशन पे बेस्ड इंपॉर्टेंट है रिजल्ट ये कि इफ एफ इज एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी then function f is of bounded variation okay agar function absolutely continuous hai to wo function bounded variation ka hoga dekho function f jo hai wo absolutely continuous hai to hum definition use kar rahe hain absolute continuous ki to isme humne epsilon ko kya choose kar liya 1 to for given epsilon equal to 1 there exist delta such that summation mod f of xi dash minus f of xi hum kya likhte hain less than epsilon epsilon ki jagah kya aa gaya 1 for every finite collection of non overlapping intervals with this sum is less than डेल्टा नाउ सेलेक्ट अ नेचुरल नंबर एन एक नेचुरल नंबर एन हमने सेलेक्ट करना है कैसा सेलेक्ट करना है ग्रेटर देन बी माइनस ए बाय डेल्टा एक नेचुरल नंबर हमने सेलेक्ट किया ये नाउ डिवाइड द इंटरवल ए बी इस इंटरवल ए बी को डिवाइड करना बाय मींस ऑफ द पॉइंट्स सी नॉट सी वन सी टू अप टू सो ऑन सी एन और कैसे डिवाइड करना है कि जो ये पॉइंट्स हैं इनका डिफरेंस सी जे माइनस वन क्या रहे लेस देन डेल्टा कहने का मतलब सी वन माइनस सी नॉट लेस देन डेल्टा है सी टू माइनस सी वन भी क्या है लेस देन डेल्टा एंड so then for every finite collection of pairwise disjoint intervals in this interval we have this sum is less than 1 where more xi dash minus xi is less than delta ab this sum is less than 1 agar hum in sab ka kya le le supremum supremum is taken over i means jo ye hamare paas intervals chal rahe hain inke upar humne liya to jab supremum liya means limiting case liya to less than kis mein convert ho jayega less than equal to mein aur supremum lene ka matlab ye definition kiski ho gayi total variation ki लेकिन विद टोटल वेरिएशन किसके ऊपर इंटरवल क्या था हमारा सीजे माइनस वन टू सीजे इंटरवल था तो टोटल वेरिएशन ऑन दिस इंटरवल इज लेस देन इक्वल टू 1 तो इसका मतलब फंक्शन एफ क्या हो गया बाउंडेड वेरिएशन का लेकिन किस इंटरवल पे इस इंटरवल पे सीजे माइनस वन सीजे इंटरवल पे अब ये तो क्या है सब इंटरवल है ए बी का अब इस मीन्स ऐसे हर सब इंटरवल पे टोटल वेरिएशन लेस देन इक्वल टू 1 है तो जब हमें ए बी इंटरवल चाहिए तो ए बी इंटरवल लेने के लिए तो हमें इसको n पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था ना सीन और सी वन सी टू तो कितने इंटरवल्स बने n तो मींस जो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि दिस टोटल वेरिएशन इज लेस देन इक्वल टू 1 ये n टाइम्स आया मींस 1 जो हमारा n टाइम्स ऐड हो जाएगा अगर हमें v a b f लिखना है क्योंकि v a b f हमारा क्या बनेगा v a हमारा सीन और है सीन और टू सी वन प्लस सी वन टू सी टू प्लस सी टू टू सी थ्री अप टू सो ऑन सी एन माइनस वन टू सी एन और सबके लिए वन 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 जब एड करोगे तो n टाइम्स आ गया तो टोटल वेरिएशन इज लेस देन इक्वल टू n n इज एन इनफाइनाइट नंबर so function f is of bounded variation that means function f belongs to bb ab second next corollary hai if function f is absolutely continuous then function f has derivative almost everywhere ki agar function f absolutely continuous hai to wo bounded variation ka hoga aur agar function f bounded variation ka hai to hum result already kar chuke hain ye to function f has derivative almost everywhere next theorem hai a function f is an indefinite integral if and only if it is absolutely continuous ki function f jo hai wo indefinite integral hoga kab hoga
if and only if it is absolutely continuous. So, हम लेके चलते हैं, ये most important है ये थ्योरम. Let f be an indefinite integral. Function f indefinite integral है. अगर वो indefinite integral है, तो किसी ना किसी का तो है ही ना वो integral. तो इसका मतलब there exists integrable function small f on closed interval a b such that f of x is equal to means capital F is indefinite integral of function small f. Now function small f is integrable on closed interval a b. F integrable है तो mod f भी क्या होगा? Integrable होगा. फिर हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं जो हमने थ्योरम प्रूव की थी. गिवन एप्सिलॉन के कोरेस्पोंडिंग डेल्टा एग्जिस्ट करेगा. फॉर एवरी मेजरेबल सेट ए कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल ए बी विद मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा वी हैव इंटीग्रल मोड लेस देन एप्सिलॉन. नाउ लेट, अब हमने क्या ले लिया? फाइनाइट कलेक्शन ले ली म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल्स की विद दिस सम इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि अब हमें एब्सोल्यूट क्वांटिटी की डेफिनेशन यूज करेंगे. और ए क्या ले ली हमने? यूनियन ऑफ दिस इंटरवल्स. ये इंटरवल्स कैसे हैं? ओपन इंटरवल. हर ओपन इंटरवल मेजरेबल होता है, तो उनकी यूनियन भी क्या हो गई? मेजरेबल. नाउ मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ दिस यूनियन एंड दिस इज इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ एक्साई एक्साई डैश, क्योंकि सारे इंटरवल्स कैसे हैं? डिसजॉइंट है. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ. तो लेंथ आ गई, और लेंथ क्या होती है? मोड एक्साई डैश माइनस एक्साई, और दिस इज लेस देन डेल्टा. ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये लेके चले थे ना, समेशन मोड एक्साई डैश माइनस एक्साई इज लेस देन डेल्टा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रल मोड एफ इज लेस देन डेल्टा ओवर ए. और ए क्या है? यूनियन ऑफ दिस इंटरवल्स. और यूनियन जो है डिसजॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, सम पे खुल जाएगा. तो दिस सम इज लेस देन एप्सिलॉन. इसकी हमने वैल्यू रख दी. अब हमने क्या किया? अब हमें क्या दिखाना है कि फंक्शन एफ जो है, थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि फंक्शन एफ कैसा होगा? एब्सोल्यूटली कॉन्टिन्यूस होगा. तो एब्सोल्यूट कॉन्टिन्यूटी के लिए हम उसकी डेफिनेशन का यूज करेंगे. वही क्या प्रूव करते हैं हम कि दिस सम जो है वो क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है. ये प्रूव करेंगे. तो हमने ये सम कंसीडर किया. नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्साई डैश की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्साई की वैल्यू हमने वैल्यू पुट कर दी. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन ए टू एक्साई डैश, ये ए टू एक्साई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? एक्साई टू एक्साई डैश. नाउ मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड, हमने रिजल्ट यूज किया. फिर हमने थ्योरम यूज की, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. तो दिस सम इज लेस देन एप्सिलॉन, इट मींस फंक्शन एफ इज एब्सोल्यूटली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. कन्वर्स में हमें गिवन है कि फंक्शन एफ एब्सोल्यूटली कॉन्टिन्यूस है, और हमें प्रूव क्या करना है? फंक्शन एफ इज एन इंडेफिनेट इंटीग्रल. लेके चल रहे हैं, फंक्शन एफ एब्सोल्यूटली कॉन्टिन्यूस है. देन बाय जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम हमें क्या प्रूव करना है? फंक्शन एफ जो है वो क्या होगा? इंडेफिनेट इंटीग्रल होगा. अगर फंक्शन एफ एब्सोल्यूटली कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का है, और बाउंडेड वेरिएशन का है तो जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या कहती है? उसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंस ऑफ टू नॉन डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शंस. तो एफ को हमने कैसे लिख दिया? एफ वन माइनस एफ टू, जहाँ एफ वन और एफ टू कैसे हैं? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं. और लिबेक थ्योरम क्या कहती है? कि हर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो इसका मतलब एफ वन और एफ टू जो है वो डिफरेंशिएबल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अगर एफ वन और एफ टू डिफरेंशिएबल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और एफ जो है उनका डिफरेंस है, मीन्स एफ इज इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू, तो फंक्शन एफ भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर. और वी कैन से एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. नाउ टेकिंग मोड, अब हमने मोड ले लिया, मोड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस. मोड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी. इंटीग्रेट किया हमने. नाउ दिस इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. अब इंटीग्रेट किया, अब हमने इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसमें हम यूज करेंगे लिबेक थ्योरम. अब लिबेक थ्योरम क्या कहती है? देखो यहाँ लिबेक थ्योरम में यहाँ मोड नहीं है हमारे पास. फंक्शन एफ वन डैश और एफ टू डैश जो फंक्शन है वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे, तो हम मोड ओमिट कर रहे हैं. पॉजिटिव हम क्यों कह रहे हैं? क्यों? जो ये एफ वन और एफ टू है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग मतलब उनके डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव नहीं है, है ना. तो हमने इसको ओमिट किया, तो क्या बन गया ये एफ वन डैश एक्स. इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? एफ वन बी माइनस एफ वन ए. ये लिबेक थ्योरम का रिजल्ट है. इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डैश इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. वही रिजल्ट हमने इन दोनों पे क्या किया? यूज किया. और फंक्शन क्योंकि एफ वन और एफ टू रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये क्या है? फाइनाइट है, तो लेस देन इन्फिनिटी है. तो ये लेस देन इन्फिनिटी होने का मतलब इसका इंटीग्रल मोड एफ डैश का इंटीग्रल लेस देन इन्फिनिटी है. इसका मतलब मोड एफ डैश जो है वो इंटीग्रेबल है. और अगर मोड इंटीग्रेबल है तो सिंपल फंक्शन एफ डैश भी क्या होगा? इंटीग्रेबल होगा. अब हमने क्या डिफाइन किया? जी एक्स. जी एक्स फंक्शन क्या डिफाइन किया? इंटीग्रल ऑफ एफ डैश टी का इंटीग्रल ए टू एक्स हमने डिफाइन किया. तो जी क्या? जी को हम क्या बोलेंगे? जी इज इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ डैश.
By fundamental theorem of integral calculus, we have g dash x. किसके इक्वल होगा? इसके इंटीग्रेंट के, मींस f dash x almost everywhere. और थ्योरम बाय अबाउ पार्ट ऑफ थ्योरम g बीइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि g इनडेफिनेट इंटीग्रल है फंक्शन का, तो वो क्या होगा? एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस होगा. एंड हेंस फंक्शन f इज डिफाइंड एज, फंक्शन f को हमने कैसे डिफाइन किया? कैपिटल f माइनस g इज एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस. फंक्शन एब्सोल्युटली कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब वो बाउंडेड वेरिएशन का है, और बाउंडेड वेरिएशन का है तो डिफरेंशियबल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर. डिफरेंशियबल है तो डेरिवेटिव ले लिया, f dash x is equal to capital f dash x minus g dash x. Almost everywhere, क्योंकि फंक्शन एफ का डेरिवेटिव जो है almost everywhere exist कर रहा है. और हम ये ऊपर बता चुके हैं कि g dash x equal to f dash x almost everywhere, तो उनका डिफरेंस क्या होगा? जीरो almost everywhere. f dash x is zero almost everywhere. तो इसका मतलब फंक्शन f जो है वो क्या हो गया? कॉन्स्टेंट होगा. अगर डेरिवेटिव जीरो हो तो फंक्शन क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट. लेकिन रिजल्ट जो है कॉन्स्टेंट है हर जगह नहीं होगा, कुछ पार्ट पे होगा. तो हमने क्या कह दिया कि फंक्शन f जो है वो क्या है? कांस्टेंट से a फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ab. देन वी गेट f ऑफ x माइनस g ऑफ x, वैल्यू डाल दी इस f ऑफ x की, दिस इज इक्वल टू a. तो f ऑफ x यहां से क्या आ गया? g ऑफ x प्लस a. तो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x के हमने वैल्यू डाल दी, जो हमने पता कि g ऑफ x इनडेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस ए. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये ए फाइंड आउट करना है. ए फाइंड आउट करने के लिए हमने x को क्या पुट किया? ए पुट किया. x को ए पुट करेंगे तो ये इंटीग्रल तो वैनिश हो जाएगा, तो f ऑफ a क्या आ जाएगा? f ऑफ a. हमने यहाँ a की, कैपिटल a की वैल्यू डाल दी, तो इसका मतलब f ऑफ x क्या आ गया? इंटीग्रेशन a टू x f डैश t dt प्लस f ऑफ a. इसका मतलब कैपिटल f क्या बन गई? इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f डैश. ये f ऑफ a तो क्या है? जस्ट एक कॉन्स्टेंट है. ठीक है, every absolutely continuous function is indefinite integral of its derivative. क्योंकि जो indefinite integral आ रहा है वो किसका आ रहा है? अपने derivative का ही तो आ रहा है. अगर ये result आपको prove करना आता है तो उसमें आपको एक converse part prove करना है कि आपको function जो है वो absolutely continuous दे रखा है, और prove क्या करना है? कि वो indefinite integral है अपने derivative का. Clear students? बाकी हम next lecture.